ये कितना हाई फाई गाड़ी है, ये देखिए आर एक्स 350 देख लो, पीछे से पूरा अच्छा है लेकिन सामने से देखो कैसा हालत है, देख लो पूरा एकदम सामने उड़ा हुआ है। ये देखिए स्क्रैप का मार्केट देख लो गाइस, ये देखिए ये कैमरी का हालत कैसा हो गया, ये देखिए गाड़ियों का हालत एक का ऊपर एक टूटा हुआ है। फाइनली फाइनली पिछले 3 घंटे में मैं ढूंढ रहा है और अभी आके मिला गाइस। आ चुका हूँ मैं ड्यूटी पर और आज का व्लॉग इधर से शुरू करते। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहनशाह व्लॉग। तो कैसे हो सब गाइस? मैं नहीं बताऊंगा। तो आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ फिर से, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा मेरा हालत कुछ ख़राब हो गया था, तो अभी फ़िलहाल मैं पूरा ठीक हूँ और आज का जो व्लॉग है फुल एनर्जी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज कुछ इस तरह आया, मैं आज का व्लॉग इधर से शुरू कर रहा है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दो, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर लेना। तो गाइज मेरा नाश्ता भी ख़त्म कर लिया अभी और आज बहुत ज़्यादा काम है गाइज, क्या बताओ आप लोगों को। इतना दिन से आप लोगों से बात नहीं किया तो आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा ये शोरूम पर ज़्यादातर गाड़ी पूरा एकदम खाली हो गया। ये जो शोरूम देख रहा हूँ ये शोरूम हम लोग सेल कर दिया ऑलरेडी। क्यों, तो क्या हुई? तो गाइस खाली इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोगों का ये जो शोरूम है ये 5 साल का था, वो ये ख़त्म हो गया एग्रीमेंट। तो अभी हम लोग अपोजिट साइड में दूसरा एक जगह में, वो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। और आप लोगों से इतना दिन से बात नहीं किया तो आप लोगों को पता नहीं होगा गाइस, पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा काम है शोरूम पर, इधर से उधर इधर से उधर गाड़ी लेके जाना, तो इसीलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि आप लोगों को पता था मेरा तबीयत भी सही नहीं था और पूरा एकदम ये मेरा माइंड भी चला गया था ये जब चीज़ से व्लॉगिंग से थोड़ा काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आज बहुत ज़्यादा काम है गाइस। पहली बार पहले तो मैं अभी फ़िलहाल अभी सुबह आया, ब्रेकफास्ट किया, अभी निकल रहा है गाड़ी लेके गाइस। ये जो गाड़ी है ये गाड़ी लेके अभी जा रहा है, ये हुंडई संता फी है गाइस। इसका ऐसी काम नहीं कर रहा है गाइस। तो अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी भी कम हो गया तो इतना महसूस नहीं होता है, इतना गर्मी भी नहीं लग पा के पूरा गिर रहा है मुंह पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं किधर जा रहा है अभी, तो आप लोगों को बता दूं पहली बार ये जो गाड़ी ऑलरेडी सेल हो गया तो इसका एक लाइट है सामने का, वो लाइट मैंने लेने के लिए जा रहा है क्योंकि उसका लाइट जो ख़राब है, पहले लाइट लेगा उसके बाद जाएगा सलाइड डालने के लिए। जाते हैं उधर और देखते हैं कब मिलता है लाइट और आप लोगों को भी दिखाएंगे। वही इंडस्ट्रियल एरिया 6 में जा रहा है गाइस, जिधर पहले एक बार गया था डीवीडी लेने के लिए उधर में जा रहा है, तो पहले उधर जाएगा और फिर जाएगा सलाइड डालने के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं उधर जाने के बाद, बाय। इधर से बहुत अच्छा एक व्यू देखने के लिए मिलता है, ये देखिए गाइस। अभी का जो वेदर है बहुत खूबसूरत है और इतना गर्मी भी नहीं है क्योंकि धीरे धीरे अभी गर्मी भी कम हो रहा है वहीं पर। और फिलहाल मेरा गाड़ी में एकदम पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये देखिए गाइस, तो मैं आके देखा मैंने पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो पहले डालते हैं पेट्रोल। तो आ चुका हूँ मैं पेट्रोल पम्प, तो उसी के साथ मेरा पेट्रोल भी डालना ख़त्म हो गया गाइस। तो अभी फिलहाल जाते हैं उधर सामान लेने के लिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इतना दिन मैं व्लॉग नहीं किया तो मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा है अभी कैसे व्लॉग करना है, क्योंकि बीच में तकरीबन 12 दिन के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा है कैसे व्लॉग करना है और कैसे बात करना है। वो बार बार मैं रुक रुक के बात कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा व्लॉगिंग से एकदम फोकस मेरा ख़त्म हो गया, तो अभी फिर से शुरू कर रहा है यार, होपफुली सही हो जाए। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कि आज मंडे है ना,
देख लो सब रोड पे रास है, क्योंकि कल संडे गया था और आज मंडे है, तो संडे दुबई ऑफ होता है और मंडे पूरा जगह खुला है ना, तो इसीलिए देखिए कितना रश है। A few moments later. तो गाइस ये देखिए पिछले 10-15 मिनट से मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस, तो ऊपर से गर्मी भी महसूस हो रहा है गाइस, धीरे धीरे गर्मी भी महसूस हो रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो बाहर से भी ब्लैक कलर है और अंदर से भी ब्लैक कलर है, और इसीलिए ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। ऐसे तो हवा बहुत ठंडा हो गया, अभी पहले के जैसा हवा नहीं है, पहले गर्मी का हवा होता था, तो अभी इतना हवा नहीं है, तो ग्लास नीचे करके आप बैठोगे तो हवा ठंडा लगता है, तो इतना गर्मी भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये काला गाड़ी के वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, अदरवाइज़ ऐसा वाइट कलर गाड़ी होता तो अभी गर्मी महसूस भी नहीं होता। और एसी भी इसका ख़राब है, ये देखिए फिलहाल मैं एसी बंद करके मैं बैठा हुआ है, क्योंकि इसका गैस जो है वो ख़त्म हो गया, उसको गैस डालना पड़ेगा। देखिए गाइस कितना लंबा लाइन है, ये देखिए देख रहे हो गाइस, और मुझे जाना है उस तरफ राइट साइड में, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस, बहुत ज़्यादा। 2000 years later. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया और पार्किंग में भी डाल दिया गाड़ी, पार्किंग में मिल गया, अभी इधर मैं फिलहाल चेक करते मिलता है या नहीं मिलता है, देखते। ये देखिए होंडा लिखा हुआ है, ये देखिए होंडा लिखा हुआ है, उधर में शायद मिलेगा, चेक करते। तो बस सामने का हेडलाइट है, कौन सा गाड़ी है? होंडा संताफी। संताफी कौन सा मॉडल है? 2016 मॉडल। 16 वाले हैं। हाँ। आगे वाला, बड़ा वाला है, छोटा वाला? सामने का फोकलाइट है। फोकलाइट है। तो लेफ्ट साइड वाला। जी। तो गाइस नहीं मिला इधर, एक जगह में ढूंढ लिया, अभी जाता है दूसरा जगह पर। अंदर इतना ट्रैफिक नहीं है गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा, मेन रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसीलिए ट्रैफिक नहीं है, इसीलिए मैं गाड़ी लेके अभी ढूंढ रहा है, जब शॉप मिल जाएगा तो आप लोगों को दिखाता है भाई। ये देखिए स्क्रैप का मार्केट देख रहे हो गाइस, सब गाड़ी मिलते हैं इधर, GMC भी है, हर चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा गाइस, बहुत बड़ा एरिया है। ये देखिए ये कैमरी का हालत कैसा हो गया, ये देखिए देख रहे हो, ये सब गियर बॉक्स है, इंजिन है, ये बॉस ये सब सेल करता है गाइस, अब ये सब काम की चीज से। ये देखिए इंजन पड़ा हुआ है, कितना इंजन, ये देखिए गाड़ियों का हालत, एक का ऊपर एक उठा हुआ है, देख रहे हो ये सब इसका आपका गाड़ी है गाइस, छोटा छोटा पार्ट निकाल के वो लोग बेचता है। ये देखिए गाइस फोर्ड मोस्टिंग का आधा गाड़ी पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो ये मोस्टिंग है, देखो मोस्टिंग का भी सामान मिलता है इधर, ये फोर्ड मोस्टिंग है गाइस, ये देखिए आधा अधूरा गाड़ी है। जो लास्ट एक शॉप बाकी है तो उधर चेक कराया, अगर उधर नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा लाइन पे जाना पड़ेगा। आधे घंटे से पैदल ही घूम रहा है, खसारा हुआ, इतना टाइम भी खसारा हुआ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अभी फ़िलहाल जाता है गाड़ी का पास और उधर से जाके दूसरा जगह में जाएगा, अभी देखता है दूसरा जगह में मिलता है या नहीं मिलता है। क्या हो गया, एक लाइट नहीं मिल रहा है गाइस, मेरा गाड़ी उधर है, इधर से उधर कितना जगह पैदल आया और नहीं मिला गाइस, कम से कम 5-6 शॉप में गया, कोई भी शॉप में ये लाइट नहीं मिला, मुझे तिजारी में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैप में तो नहीं मिल रहा है। तो गाइस मेरे को आधा घंटा हो गया तकरीबन ढूंढ ढूंढ के नहीं मिला, मैं अभी आ गया फिर गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, अभी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है गर्मी। ये लाइन पूरा मैंने चेक कर लिया, नहीं मिल रहा है गाइस, तो अभी मैं दूसरा लाइन पे जा रहा है, देखता है दूसरा लाइन पे मिलता है या नहीं मिलता है। गाइस इधर देखिए लेक्जस RX है, कितना हाई फाई गाड़ी है, ये देखिए इसका आगे का सामने का पूरा एकदम चेसी इंजन सब कुछ खुला हुआ है, ये देखिए ये लेक्जस RX है गाइस। गाइस मुझे ना संताफी का सामान नहीं मिला, लेकिन मुझे किस का सामान मिल गया, एक कारपेट चाहिए था और ये क्लिप, मैंने ये दोनों ले लिया, ये किस का है, संताफी का नहीं मिला गाइस, तो अभी मैंने इस टाइम में ऑलरेडी चेक कर लिया नहीं है, अभी मैं जा रहा है तिजारी में ढूंढने के लिए, देखेगा मिलता है या नहीं मिलता है।
नहीं मिला गाइस, बहुत ही गर्मी है और अभी रश भी बहुत ज़्यादा हो गया, देख रहे हो कितना रश है, रश भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिलहाल जाते उधर दूसरा जगह में, दूसरा जगह में जाने के लिए कम से कम 10-20 मिनट लगेगा गाइस। तो उधर में जाके अगर मिलता है तो आप लोगों को बताता है, देखता है मिलता है या नहीं मिलता है। सुबह में 9:30 बजे निकला था और अभी तकरीबन 12:30 बज गया। ये देखिए काफ़ी तक रोड पे हो, सिर्फ ट्रैफिक इधर से उधर भाग रहे गाइस। क्या बताओ ये एक सामान के लिए मैं कितना जगह में जा रहा है, नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला गाइस। क्योंकि पहले इंडस्ट्रियल एरिया 6 में ढूंढा, नहीं मिला, फिर 5 में आया, 5 में भी नहीं मिला, अभी 4 में जा रहा है। 1 hour later तो गाइस फाइनली मिल गया। ये देखिए कैसे लेके जा रहा है, फाइनली पिछले 3 घंटे में मैं ढूंढ रहा है और अभी आके मिला गाइस। दो क्योंकि मुझे एक चाहिए, तो गाइस मुझे एक चाहिए था लेकिन एक एक करके नहीं मिला, मुझे दोनों ही लेना पड़ा। तो अभी चेक करता है ये, और ये सही में या नहीं है, सही में गाइस, ये देखिए सही में, दोनों एक्चुअली सही में। पहले 6 नंबर में गया, फिर 5 नंबर में, फिर 4 नंबर में, 3 जगह में जाने के बाद लास्ट में फाइनली एक जगह में मिल गया। और अभी फिलहाल मैं जा रहा है शोरूम पे गाइस, शोरूम पे जाते ही आप लोगों से बात करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया गाइस। और मेरा हालत देखिए कैसा हो गया, सुबह कैसा आया था और अभी कैसा हो गया देखिए। तो फिलहाल जाते हैं शोरूम पर और शोरूम पे जाके आप लोग से बात करते हैं भाई। तो भाई आ गया मैं शोरूम पर, मेरा प्लान था सुबह सुबह क्योंकि उधर से सीधा चला जाएगा सलारी डालने के लिए, उसके बाद कुछ खा के फिर 4:30 बजे आएगा, पूरा एकदम सत्यानाश हुआ प्लान का। तकरीबन 1:30 हो रहा है और मैं सलारी डालने के लिए भी नहीं गया, एक सामान ढूंढने के लिए पूरा दिन चला गया। आ गया भाई शोरूम पर, तो गाइज़ अभी मेरे मुँह हाथ धो लिया और अभी रेस्ट टाइम है, तो कुछ खाना खाते और आप लोगों से मिलते हैं 4:30 बजे। और आप लोगों को बता दो गाइज मैं उसका बाद फिर वो लाइट जो लेके आया था ना वो लगाने के लिए गया था, पूरा शरीर बिक गया मेरा गर्मी की वजह से, वो लाइट भी मैंने लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुका हूँ आज गर्मी में, पूरा सनैया घूमा पैदल, इधर आके लाइट लगाया, पूरा बम्पर खुल के फिर लगाया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आज गाइस। अभी खाना ख़त्म हुआ तो सोने लगा है गाइस, हिम्मत नहीं है मुझे रूम में जाके सोने का, इसीलिए शोरूम पे अभी सो रहा है। तो आप लोगों से मिलते हैं 4 बजे, बाय। 4 hours later रात भी हो गया और मैंने वीडियो भी नहीं कर पाया क्योंकि काम इतना ख़ास नहीं था, वही शोरूम का काम है, तो मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँ जैसे कि आप लोगों को पता है मैं क्या काम करता है। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए रात भी हो गया, टाइम देखिए 8 बजने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है गाइस। तो अभी मैं बिरयानी ऑर्डर किया, बिरयानी खाता है, पहले बिरयानी खाता है और बिरयानी खा के फिर टाइम भी हो जाएगा, फिर चला जाएगा रूम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा है गाइस, आज काम बहुत ज़्यादा किया इसीलिए दिन में खाना भी नहीं खा पाया, तो इसीलिए भूख लगा था, मैंने सोचा वो बिरयानी ऑर्डर कर लेता है। तो अभी खाते हम लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइस अभी मैं धोने लगा हूँ मेरा गाड़ी, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा होगा, तकरीबन 10-12 दिन होगा गाड़ी नहीं धुआ, हालत कैसा हो गया। तो फिलहाल धोते हैं, आप लोग वो दिखाते हैं बाद में। तो ऐसे ये देखिए सामने मोस्टिंग, ये मैक्सिमा, और इधर देखिए K5 CLA सब बड़ा बड़ा गाड़ी, और साथ में मेरा देखिए ये लंबोर्गिनी, इधर देखिए BMW X6, इधर रूबिकॉन पड़ा है, इधर GLE, और इधर देखिए मर्सिडीज। हाँ हाँ, और एक चीज़ गाइस, ये नया आदमी आया है, ये देखिए गाइस इसका डिंपल भी है, तुम्हारा डिंपल दिखाओ थोड़ा, डिंपल दिखाओ क्या, ये लेफ्ट साइड राइट साइड से करो, ये देखिए गाइस। हाँ क्या सोचते हो, शाहरुख खान का पास है सिर्फ, हमारा पास दूसरा शाहरुख खान है। बहुत सी गाड़ी गाइस हम लोगों का सेल हो गया ये महीना में,
इधर में एक बेंटली था, ये बेंटली सेल हो गया। ये जो पोर्श देखा था पिछले वीडियो में, ये पोर्श अभी इधर खड़ा है, अभी तक नहीं सेल हुआ। बहुत सारी गाड़ी की साइज, मर्सिडीज एक देखा था वो भी सेल हो गया, मर्सिडीज एस भी सेल हो गया। इधर में एक बेंटली दो था हम लोगों के पास, एक ब्लैक कलर एक वाइट कलर, वो भी सेल हो गया इधर था। तो ये महीना में तकरीबन 4-5 गाड़ी ऑलरेडी चला गया, बड़ा बड़ा जो ब्रांड का गाड़ी है वो सब चला गया, इसीलिए खाली है शोरूम। नहीं तो इधर पहले फुल होता था गाड़ी, इस तरफ भी खाली हो गया। और कुछ गाड़ी हम लोग का दूसरा शोरूम पे भी डाल दिया, धीरे धीरे अभी दूसरा शोरूम पे भी ट्रांसफ़र कर रहा है गाड़ी, क्योंकि ये शोरूम जो है ना, ये मैंने सुबह बताया था, जो ये शोरूम ये महीना लास्ट है, उसके बाद हम लोग दूसरा शोरूम पे चला जाएगा। तो गाइस गाड़ी साफ़ हो गया, और देखिए कौन सा गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है, रेंज रोवर के साथ खड़ा हुआ है। गाड़ी साफ़ होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है गाड़ी, कितना कचरा था पहले, अभी थोड़ा सुंदर लग रहा है गाड़ी। इधर में एक चैलेंजर खड़ा है गाइस हम लोगों के पास आया, ये एक कल आया, इसका मैं सोच रहा है वीडियो बनाऊं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर इसका वीडियो चाहते हो तो। तो मैंने डाल दिया शोरूम के अंदर गाड़ी, अभी लाइट बंद करते और फिलहाल जाते हैं रूम पर। तो फाइनली हम लोगों का टाइम भी ख़त्म हो गया, और अभी 9:30 बज रहे हैं, तो हम लोग का छुट्टी का टाइम भी हो गया गाइस। तो अभी शोरूम के अंदर जाके लाइट बंद करते और सीधा जाते हैं रूम पर। ये देखिए, ये इज़राइल और फलस्तीन का अभी वार चल रहा है ना, इसका जो न्यूज़ है ऑटोमेटिक सुबह से चल रहा है, लेकिन कोई नहीं है शोरूम पे देखने वाला, ऐसे ही लगा हुआ है, बंद कर लेता है। बस हो गया लाइक बंद। मैंने मेरा चाबी भी गाड़ी का ले लिया, और अभी चला क्या कर रहा है, आजा 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ क्या बोलो बोलो क्या चाहिए। तो भाई कर दिया मैं शोरूम लॉक, और अभी सीधा जाते हैं रूम पर। तो गाइस फाइनली आ गया मैं रूम पर, और आज का व्लॉग इधर ही एंड करना चाहूँगा। उम्मीद है आप लोग आज का व्लॉग अच्छा, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अभी से अपडेट भी रहेगा हर टाइम। तो आप लोग से मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।